So good morning friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, today we are taking session from I am taking this session from my home because surprisingly today, you know, the Hindu came out with a good content. Number of topics which are to be covered were more, so mujhe thoda zyada time lag gaya yahan pe. So don't worry about it. So let's upload the PDF for today's session. So you can download the PDF for today's session. It has been uploaded on our group. Okay. सो आप जाके अपलोड कर सकते हो. सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन. सो 17 पीपल हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर. ओके, आई होप आर लाइक यू गाइस विल बी कंफर्टेबल विद दिस मोड ऑफ सेशन डिलीवरी आल्सो. सो देयर विल बी नो चेंज इन इट, मींस द कंटेंट विल बी सेम एज यूजुअल. ओके, सो पीडीएफ हैज बीन अपलोडेड. So let's start. Suman, Suvankar, Moni, Muskan, Dolly, Pooja, Mohit, Pranjal, Dilpreet. Good morning all. Okay. Good morning. Let's see what exactly is there for us in today's newspaper. सीधा शुरू करते हैं आज की अखबार में हमारे लिए क्या खास है. ठीक है ना, आप नाराज मत होना. This is just for the one day, like I am taking up this session from my home, laptop recorded session that we are having here. Okay. सो वी विल ट्राई आर लेवल बेस्ट कि जल्दी से जल्दी जो है हम वापस अपने पुराने उस पर जाएँ, मीन्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. ओके, सो हेयर वील मूव टू द न्यूज पॉइंट. सो ओपोजिशन रिजेक्ट्स वेंकैया'स ट्रूस ऑफर टू डिस्कस द फार्मर्स प्रोटेस्ट. ओके, सो दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन. द ओपोजिशन इज डिमांडिंग दैट द प्रेजेंट सेशन शुड बी डेडिकेटेड फॉर टू डिस्कस द पेगासस स्नूपिंग इशू. ओके, सो पेगासस के जो स्नूपिंग इशू है उसको यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करने के लिए बोला है. ठीक है ना, सो अब देखते हैं कितना ये सक्सेसफुल होगा. ओपोजिशन इज डिमांडिंग दिस थिंग नाउ. वेंकैया नायडू, लाइक हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ही इज ऑफरिंग दिस चॉइस दैट ओके वी कैन डिस्कस फार्म बिल्स. ओके, तो फार्म बिल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है. बट स्टिल ओपोजिशन इज एडमेंट ऑन डिस्कसिंग द पेगासस स्नूपिंग इशू. सो ये चीज यहाँ पे चल रही है. ठीक है ना, स्टिल देर इज नो लाइक कंक्लूजन टू इट. प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन. ओपोजिशन मेंबर्स दे आर प्रोटेस्टिंग, होल्डिंग द प्ले कार्ड, शाउटिंग स्लोगन्स एंड ऑल. दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ आर पार्लियामेंट. ओके, ये हमारे पार्लियामेंट की सॉरी स्टेट है दैट यू आर नॉट कैरिंग आउट डिस्कशन. एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, इट इज ऑल्सो अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन पावर. ओके, सो सम ऑफ us may be thinking that okay, opposition is not allowing the government to, you know, work, it is not allowing the parliament to work. We have this like misconception in our mind, but you need to understand government has the prime responsibility. You have to take along the opposition with you. Opposition ko aapko saath leke chalna hota hai. ठीक है ना, एंड देयर आर गवर्नमेंट इज समहाउ फेलिंग. यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है. दे आर नॉट एबल टू टेक पीपल अलॉन्ग विद देम. ओके, इस चीज में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. बट स्टिल लाइक इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, यू हैव टू डू दैट. ऑपोजिशन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड द गवर्नमेंट इन पावर हैव टू कंसिडर इट. ओके, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. अदर देन दैट, ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, सो दया स्टॉर्म इन टू फाइनल, इंडिया शॉर्ट ऑफ अनदर मेडल. ओके, सो लाइक रिसेंटली देर वॉज अ न्यूज लाइक वी वॉन ब्रॉन्ज इन हॉकी. हॉकी के अंदर हम लोग ब्रॉन्ज जीत गए हैं. ओके, तो ये आपको मालूम होगा शायद, लाइक वी वॉन ब्रॉन्ज इन हॉकी. ओके, सो वो भी चल रहा है. बट स्टिल इट्स गुड थिंग, एज आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, विनिंग अ मेडल इन ओलंपिक्स इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे इवेंट. ओके, सो वट प्रॉब्लम is there, we are investing in players. Okay, I have already mentioned this point to you. So suppose you are writing an essay, aap sports ke upar essay likh rahe ho, like why we failed in you know getting medals and all, you will be mentioning about all these things. So I am saying that we are investing in players. Okay, hum players mein invest kar rahe hain. Look at the top scheme that we have. तो टॉप स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी, लाइक प्रोबेबल्स पीपल, प्रोबेबल स्पोर्ट्स पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू विन मेडल फॉर अस. गवर्नमेंट थॉट दैट वी शुड इन्वेस्ट देयर. उनको कोचिंग स्टाफ अच्छा प्रोवाइड करने के लिए हमने अच्छा खासा फंड जो है वो प्रोवाइड किया. माय सजेशन इज दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन द स्पोर्ट्स इटसेल्फ. आपको स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिंगल प्लेयर, आप पूरे के पूरे स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम चेंज करो. दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, आफ्टर दैट हम बोलेंगे कि हमारे पास मेडल अच्छे खासे आएंगे. सो सीजीआई रेस्क्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम द आंध्रा तेलंगाना केस. ओके, सो दिस इज व्हाट इज देयर इन न्यूज. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर. ओके, सो रिवर वाटर को शेयर करने के लिए जो है ये प्रॉब्लम आई है. सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये बार बार होता है. व्हेनेवर देयर इज बाइफरकेशन ऑफ स्टेट,
जब भी जो है स्टेट को बाइफरकेट किया जाता है तो रिवर वाटर रिमेन्स एन इशू. ओके, सो देर आर मल्टीपल लाइक दिस इशू इज प्रिवेलिंग बिटवीन कर्नाटका एंड यू नो तमिलनाडु ऑल्सो रिवर वाटर डिस्प्यूट, देन हरियाणा एंड यू कैन से पंजाब रिवर वाटर डिस्प्यूट इज देयर. ओके, और रिसेंटली देर वॉज सम डिस्प्यूट इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो, छत्तीसगढ़ ओडिशा. नाउ दिस इज द न्यूली इमर्जिंग डिस्प्यूट बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. सो दिस इज वट दे आर सेइंग. सो जस्टिस रमन्ना लाइक ऑन वेडनेसडे रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम हियरिंग दिस पटिशन. ओके, दिस पटिशन इज फायर्ड बाय द आंध्र प्रदेश एक्यूजिंग तेलंगाना ऑफ डिप्राइविंग इट्स पीपल ऑफ देयर लेजिटिमेट शेयर ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन. सो चीफ जस्टिस हु इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश इट सेल्फ. ओके, तो वो वहीं से ही आते हैं. दैट्स वाई ही थॉट दैट लाइक ही कैन नॉट टेक साइड्स, सो ही हैज विदड्रॉन हिमसेल्फ. ओके, कि वो अपने आप को उन्होंने वहां से बाहर रख लिया है. ठीक है ना, सो लाइक दिस इज हाउ इट इज डन. ओके, जो ये कभी कभी हमें करना भी पड़ता है. नाउ वी मूव टू द अनदर न्यूज. ओके, लेट्स रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, केजरीवाल टेल्स एलजी. नाउ दिस इज अगेन अ इशू व्हिच इज स्टिल प्रिवेलिंग. ओके, यू हैव सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आ चुका है. ठीक है ना, बट स्टिल बोथ द पार्टीज एलजी एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली दे आर इंटरप्रेटिंग दैट जजमेंट एज पर देयर यू नो एज पर देयर पॉइंट. ओके, वो अपने आप को सूट करने के लिए वो जो है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. अगेन द मैटर विल गो टू कोर्ट एंड स्टिल इट इज पेंडिंग इन कोर्ट. तो चीजें अभी भी क्लियर होना बाकी हैं. ठीक है ना, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लेट्स रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी. केजरीवाल इज स्टेटिंग दिस थिंग एंड एलजी शुड ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग दैट दिल्ली हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीपल हैव इलेक्टेड दैट गवर्नमेंट. आप उससे जो है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच. डायरेक्टली विल मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. सीधा एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन द एडिटोरियल सेक्शन. ओके, सो लैंग्वेज लेटर फॉर एन एजुकेशन रोड ब्लॉक. नाउ दिस इज व्हाट वेंकैया नायडू इज सेइंग. सी द स्टेप हैज बीन टेकन टू अलाउ ओके इंजीनियरिंग कोर्सेज टू बी कैरिड आउट इन मदर टंग. डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे. ओके, सो दिस इज द होल डिबेट. नाउ नॉर्मली वी हैव इंग्लिश एज एन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ डिलीवरी, कि उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है कोर्सेज आपके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. ग्रेजुएशन कोर्सेज मेडिकल और यू कैन से इंजीनियरिंग लाइन के. ओके, बट राइट नाउ AICTE CTE लाइक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इट इज परमिटिंग BTEC प्रोग्राम इन 11 नेटिव लैंग्वेजेस. वो उन्होंने इम्प्रूव किया है. सो दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल लाइक इट मेंशंस अबाउट वेदर इट्स अ गुड यू नो इनिशिएटिव और नॉट. सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज इट इज गोइंग टू ब्रिंग मोर पीपल. ओके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे इसका फायदा उठाएंगे. ओके, इट इज गोइंग टू एड इंक्लूसिवनेस. ये यहाँ पे इंक्लूसिवनेस को एड करेगा, मोर पीपल विल ज्वाइन. सो ड्रीम ऑफ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग टू परस्यू प्रोफेशनल कोर्सेज इन देयर मदर टंग कैन बी रियलाइज्ड. ओके, लाइक एवरी ग्रेट चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेवोल्यूशनरी स्टेप. इट इज लाइक मिस्टर वेंकैया नायडू इज सेइंग दैट दिस इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप. सो रीसेंट डिसीजन ऑफ 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस 8 स्टेट्स टू ऑफर कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस. सो इन सिलेक्ट ब्रांचेस लाइक द न्यू एकेडमिक ईयर से ये सब शुरू होने वाला है. इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट दैट यू आर अलाउइंग इंजीनियरिंग कोर्सेज इन नेटिव लैंग्वेज. ओके, सो लाइक AICTE हैज अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. दो कौन सी लैंग्वेजेस में होगा? हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असामीज, पंजाबी एंड उड़िया. ओके, सो इसके अंदर जो है आपको कोर्सेज अवेलेबल होंगे. सो प्राइम मिनिस्टर लाइक इन हिज एड्रेस मेक मार्किंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ही इज ऑल्सो हेलिंग दिस पर्टिकुलर मूव. और इनको भी ऐसा बोला है. सो व्हाट इट इज सेइंग दैट इट इज गोइंग टू इंस्टिल द कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स फ्रॉम द पुअर रूरल और ट्राइबल बैकग्राउंड. सो पुअर रूरल और ट्राइबल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फिडेंस जनरेट होगा. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. नाउ ही हैडेड दैट इवन इन एलिमेंट्री एजुकेशन द मदर टंग इज बींग प्रमोटेड एंड रेफर टू वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ दिस. ओके, वहां पे भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ग्रेस्पिंग पावर ऑफ अ चिल्ड लाइक स्टूडेंट इज मोर इन मदर टंग. मदर टंग में ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा होती है. कोई इन्फीरियोरिटी, कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं होता. ओके, बिकॉज एवरीवन इज कन्वर्सेंट अबाउट देयर मदर टंग. सारे कंफर्टेबल होते हैं. सो नियरली 44% स्टूडेंट्स वोटेड इन फेवर ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग इन देयर मदर टंग. सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट्स हु वॉन्ट दैट you know courses should be available to them in their respective mother tongue. तो ये तो already demand है यहाँ पे. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, मतलब required नहीं है, ये बिल्कुल required है. So the progressive and visionary new
National Education Policy 2020 champions the education in one's mother tongue right from the primary school level and improving the learning outcomes. Okay, और definitely as I told you, इसका impact पड़ता है, learning grasping power जो है वो definitely ज़्यादा होती है. So multiple studies have proved that children who learn in their mother tongue in their early and formative year perform better than those taught in alien language. ओके तो जिनको एलियन लैंग्वेज मींस लाइक इंग्लिश इज एलियन लैंग्वेज टू पीपल. ओके काफी जनता अपने घरों में इंग्लिश नहीं यूज कर सकती है तो इट कुड बी एन एलियन लैंग्वेज. सो यूनेस्को एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन लेइंग एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट लर्निंग इन द मदर टंग इज जर्मेन टू बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ आइडेंटिटी. उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली सम एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स स्टिल अकॉर्ड अनक्वेश्चन्ड प्राइमेसी टू इंग्लिश. ओके अभी भी जो है देर इज अ सेक्शन जो इंग्लिश को ऊपर चाहते हैं एंड यू नो द चाइल्ड मदर टंग एंड अप एज देयर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल. ऐसा हो जाता है. ओके सो देर आर बबल्स नाउ एज लाइक दीज बबल्स आर देर आर एजुकेशनल सिस्टम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हु आर टीचिंग अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं इंग्लिश को समझ सकते हैं. ओके सो देर इज अ स्मॉल बबल ऑफ इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वाइल आर ओन लैंग्वेज लैंग्वेजेस व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज. तो प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ पे टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज आपकी नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है. सो देर इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी देयर. हाउ आर यू going to manage the books? आप books कैसे लेके आओगे? Okay. So it is quite possible that in your native language, in your regional language, the books, the study material might not be available. तो अगर आपके वहाँ पे study material available नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? Okay. This is another problem. ये भी एक अपने आप में एक troublesome चीज है. तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी एंड वी हैव टू सी हाउ दे आर टू बी मैनेज्ड. सो इफ यू सी द ग्लोबल प्रैक्टिस. ओके सो अमंग G20 कंट्रीज मोस्ट कंट्रीज हैव स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज विद टीचिंग बीइंग इंपार्टेड इन द डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ देयर पीपल. सो लाइक दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इफ यू गो टू यूरोप द रिस्पेक्टिव कंट्री विल हैव अ टीचिंग मैकेनिज्म टीचिंग डिलीवरी सिस्टम इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज. अपनी भाषा के अंदर ही वो पढ़ाते हैं इधर उधर नहीं किसी और भाषा में नहीं पढ़ाते. सो इन साउथ कोरिया नियरली 70% ऑफ द यूनिवर्सिटीज टीच इन कोरियन. ओके ऐसी चीज अवेलेबल है. सो लाइक दिस इज जस्ट वन एग्जांपल एंड राइट नाउ द साउथ कोरियन गवर्नमेंट इन 2018 बैंड द टीचिंग ऑफ इंग्लिश प्रायर टू द थर्ड ग्रेड इन स्कूल. थर्ड क्लास से पहले इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती वहां पे. ओके सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. नाउ यू हैव मल्टीपल एग्जांपल्स लाइक मैंड्रिन इन चाइना जापानीज इन जापान इन यूरोप यू हैव फ्रांस जर्मनी लाइक हु आर प्रमोटिंग हु आर टीचिंग हु आर डिलीवरिंग सेशंस इन देयर रिस्पेक्टिव नेटिव लैंग्वेज. वो अपनी भाषा में ही पढ़ाते हैं. वो आपको पढ़ना है पढ़ो नहीं पढ़ना मत पढ़ो. ओके सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इफ यू मूव टू एनी यूरोपियन कंट्री और यूरोपियन यूनिवर्सिटी इज दैट यू शुड बी कन्वर्सेंट इन दैट लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज बैरियर विल बी देयर. वहां पे लैंग्वेज बैरियर आपको नजर आएगा अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाओगे. सो कैनेडा लाइक इट हैज ऑल्सो शोकेस अ साउंड अप्रोच ऑफ एजुकेशन. सो वाइल इंग्लिश इज अ डोमिनेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस बट देर इज अ प्रोविंस कॉल्ड क्यूबेक. ओके नाउ दिस इज अ फ्रेंच मेजोरिटी फ्रेंच speaking people are in majority here. So for in that province French is the medium of instruction. तो primary और secondary education में French जो है as a medium of instruction उन्होंने use किया है. Okay. तो यही कुछ हम भी यहाँ पे कर सकते हैं. Now there are some bottlenecks. Higher education में like because your courses are not available in the native language, it is going to create a bottleneck. ये जो है bottleneck create कर सकता है. Otherwise like there is another issue. There is a lack of high quality textbook. जो टेक्निकल कोर्सेज की टेक्स्ट बुक होंगी दे माइट नॉट बी अवेलेबल. ओके वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगी. ठीक है ना. तो ये बता आपको समझना है. ओके ये बात आपको समझनी है. नाउ बिल्ड ऑन दीज इनिशिएटिव्स इसकी अगर हम बात करें सो देर आर सम इनिशिएटिव्स दैट आर देयर. सो यहाँ पे AICTE लाइक इट हैज प्रोवाइडेड यू विद मल्टीपल थिंग्स. ओके और IIT मद्रास टू ट्रांसलेट स्वयं कोर्सेज इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है. तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा बंगाली मराठी मलयालम गुजराती. नाउ दिस विल बी अ मेजर बूस्ट टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम ट्रांजिशन मोर स्मूथली टू द इंग्लिश डोमिनेटेड करिकुलम इन द लेटर ईयर्स. ओके ऐसा होगा यहाँ पे ट्रांजिशन थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है ना. सो ये बात आपको समझे. सो ये शिवा नाम का आदमी कौन है जो ये कह रहा है कि बकवास किए जा रहा है? हैं कौन है भाई तू? So, like there is another thing, non-exclusivist. Now, laying the stress on instruction in the mother tongue is not exclusivist in nature. Okay. So, here you need to understand we are emphasizing on mother tongue. ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम exclusivist बना रहे हैं इसको. That you will not use other languages. The idea is that
there could be a medium like it is not mother tongue versus English. Okay, so it is mother tongue plus English approach. Apart from मदर टंग ओके यू आर यूजिंग इंग्लिश ठीक है ना. सो ये चीज आपको समझना है ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है. सो टुगेदर वी मस्ट वर्क टू रिमूव द सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी. सो अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे माइट फील इंफीरियर ओके बिकॉज दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश. कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत से लोग इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होंगे ओके okay? सो ये बात आपको समझे ठीक है ना, आपने एक बोलने पे फ्लुएंट नहीं होंगे ओके. सो सम ऑफ अस डिस्प्ले व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन आवर ओन लैंग्वेज ठीक है, ऐसा होता है. एंड आप ये देखेंगे कि व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द मदर टंग ग्रास्पिंग एंड द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव ओके. ग्रास्पिंग पावर, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी. यू विल गेट गुड क्वालिटी कंटेंट, टैलेंट आपके यहाँ पे टैलेंट निकल के आएगा. सो दिस इज वॉट वी आर सेइंग दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेजरेबल टैलेंट. आपको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या छुपा पड़ा है ओके. सो योर यूथ हैज द पोटेंशियल, नाउ इट इज अ टाइम दैट वी इम्बाइब सर्टेन स्किल्स, कि अपने यूथ में वो स्किल्स इम्बाइब करें ओके okay? कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक जा सके. नाउ विदाउट लेटिंग देयर सीमिंगली इनएबिलिटी टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज इम्पीड देयर प्रोग्रेस, इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट द डिसीजन ऑफ 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस 8 states टू ऑफर कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज नीड्स टू बी सीन एंड अप्रिशिएटेड. सो ये हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा. And like in other areas also, it can be brought in. Okay, so बाकी चीजों में भी ये डाला जाएगा. So ये आपको समझना है यहाँ पे. So we'll move to the other editorial. So this was related to the like promotion of your regional language, and it has been written by Venkaiya Naidu. इन्होंने ये लिखा है, ठीक है ना? तो हम अब आगे चलते हैं. So grand tax bargain in danger of coming apart. Okay. अब GST की बात हो रही है कि GST कितना effective है. All those things have been highlighted here. Okay, so there could be a probable question on GST. Multiple times question has already been asked. Okay, आज की डेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है GST से related दो तीन बार, like one in your GS paper 2, which was related to majorly a polity related question. Okay, तो GST के केस में कौन से ऐसे कैसा कैसा amendment हुआ, you have to like ये आपको मालूम होना चाहिए. Other than that, the question can be related to your GS paper 3, that is your economy. Like as a tax provision, how effective it is, कितना पैसा इन्होंने government को लाके दिया है. In this type, like the question can be framed. Okay, ये question इस time पे जो है बनाया जा सकता है. Now let's move to this part. A good GST, like a goods and service tax version 2.0, may have to be designed soon given the flaws in the existing structure. So this editorial is basically mentioning that within the existing structure, there are some flaws. यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे existing जो GST system के अंदर. Like you must have seen there was compensation related issue. तो यहाँ पे compensation related issue भी है, ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना? Compensation related issue तो आएगा ही आएगा. Okay, so ये बात आपको समझनी है. Now after 4 years, the promise of goods and services tax remains substantially unrealized. Okay, so it's been 4 years now. There was controversy related to compensation. The collection is not up to the mark. Okay, ये सारी समस्याएं चल रही हैं. So that's why it is suggesting that you have to reform the existing taxation system. तो जो भी आज का system available है, आप उसको reform करें. Okay. So existing को आपको reform करना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी है. Now like it is a far cry from the attempted avoidance of cascading and continues to be not very transparent multi-rate system. So first thing it is pointing that आप ऐसा बोलोगे कि चीजें transparent है, but it is not. Okay, जितनी transparency required है उतनी यहाँ पे GST में कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है. तो that's a major issue, ये एक major issue है. Now there are some other difficulties in computing and assessing the tax liability. आप tax liability को compute नहीं कर पा रहे हो, आप उसको assess नहीं कर पा रहे हो. Tax burden, tax incidences, you are not able to compute that. Okay, so states have less headroom in handling GST collection and shortfall after surrendering their fiscal autonomy. ये भी एक प्रॉब्लम है. नाउ मेजरली डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय द जीएसटी काउंसिल. सो स्टेट हैज लूज लाइक दे डोंट हैव देयर पावर टू इम्पोज टैक्सेस, वो कुछ नहीं कर सकते. यू हैव अ जीएसटी काउंसिल विच इज गोइंग टू टेक डिसीजन, ये बात आपको समझनी है. सो व्हेन द पीरियड ऑफ 5 years ऑफ कंपनसेशन एंड्स इन 2022, नाउ इट विल सी अ कंटिन्यूड फ्लॉड सिस्टम और फ्रेशली मिंटेड जीएसटी 2.0 given the asymmetry of the power equation between the state and the center. Okay, इस टाइप की चीज चल रही है, ठीक है ना? अब 2022 में compensation mechanism which was proposed in 2017, it is going to end. Okay,
what is going to be the future of that? Because already corona crisis has come. Okay, you need to have some intervention. Aaj ki date mein kuch intervention ki zarurat hai aapko. So the tax base of GST does not appear to be expanding. Ye bhi ek problem hai. While when GST was introduced, so baat kya ho rahi thi ki it is going to expand the tax base. Okay, aaj ki date mein waisa nahi ho raha hai. Like there is a very large segment that are provided with exemption, उनको exemption मिली हुई है यहाँ पे, okay? ये एक चीज़ आपको समझनी है. Now center holds the card. The fundamental weakness of GST is that its political architecture, which is asymmetrically loaded in favor of the center. तो यहाँ पे political architecture किस तरीके का है? If you take example of GST council, okay? So center has 1/3 vote. 1/3 vote जो है center के पास होगा, states are going to have 2/3 vote. Okay, now we know that the party in power, jo center mein power mein hai, if they have, they are able to control or they are able to influence the decision of even few states. Agar kuch states ka decision bhi ye influence karne mein successful ho jate hain, in that case also the center will be in position to impose its point. Apne point ko center tab bhi impose kara payega. Okay, so you have this voting mechanism. Central government has 1/3 vote, states have 2/3 vote. Okay, with support of a dozen small state, क्योंकि हर state का vote एक है यहाँ पे. Like GST collection की अगर हम बात करें तो यहाँ पे center अपनी बात easily impose करवा सकता है. So that's why it is saying that the game is hugely in center's favor. Center के favor में ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे. Okay, ये point आपको समझना है. Now there is some issue with the tax structure also. So nearly 45% to 50% of the commodity value is outside the purview of GST. Like such as petrol, petroleum products, they are outside the purview of GST. So states which export or have interstate transfer or mineral or fossil fuel extraction are not getting revenue. बहुत से states हैं जो अपने यहाँ से like raw materials दूसरी जगह supply कर रहे हैं. They are not getting any revenue out of it. Okay, so there need to be an adequate compensation mechanism. उनके लिए कुछ compensation mechanism होना चाहिए. Now most trading and retail establishment, like they are out of this particular GST mechanism. बाहर है बिल्कुल यहाँ पे. So at the retail level, irrespective of whether input tax credit is required or not, the burden can be passed off to the consumer. तो burden तो consumer तक pass on किया जा सकता है. So as a result, the loss could be as high as 1/3. Okay, so उस scenario के अंदर loss जो है वो ज़्यादा होगा यहाँ पे. तो ये point आपको समझना है, ठीक है ना? So ये कुछ problem है. So another issue is that exemption from registration and taxation of GST has further eroded the GST tax base. अब there are a section of industry जिनको बोला गया कि आप जो है registration करवाना required नहीं है and all those things. It means that they will always remain outside the ambit of GST. वो तो इसके बाहर रहने वाले हैं, ठीक है ना? So ये चीज आपको ठीक करनी है because it is going to propagate or increase the evasion of taxes. Tax evasion के cases तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. Like companies, they will definitely, they don't want to get registered. Now other is petroleum products remaining outside the purview of GST. Now it has helped center to increase cesses and decrease the central excise, like in what would otherwise have been shareable with trade. तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि ट्रेड स्टेट्स के साथ शेयरेबल थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट सेस इंपोज करती है. एंड सेस, वी नो दैट सेस इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट. आपके स्टेट्स के साथ सेस जो है उसे शेयर नहीं किया जाता है. ओके, सेस इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स. तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव. ये पॉइंट समझना जरूरी है. नाउ लाइक अनदर इशू इज दैट कंपाइलिंग कंप्लायंस विद द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग. ओके, now when you are going to file the GST return, there is a gap. So multiple quarters में आपको GST return file करना पड़ता है. Now the gap is increasing. Okay, the gap is increasing. Again, it is going to distort the whole cycle. पूरी cycle आपकी यहाँ पे distort हो जाएगी. ये भी अपने आप में एक problem है. Another, fraudulent claim of input tax credit. Now this is again a problem because of lack of timely reconciliation. Like this is a problem that we have. फ्रॉड जो है वो ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे. आपके पास कैलकुलेशन करने के तरीके सही नहीं है. ओके, मेथडोलॉजिकल इश्यूज हैं यहाँ पे. नाउ दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर एग्जिस्टिंग. नाउ विदाउट प्रॉपर टैक्स इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस, द स्टेट्स वुड गो इन फॉर सिलेक्टिव टैक्स एनफोर्समेंट. ओके, अब यहाँ पे सिलेक्टिव टैक्स एनफोर्समेंट के केसेस भी हैं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक इफ वी वॉन्ट टू इम्प्रूव दिस जीएसटी,
If you are talking of GST 2, then you have to provide some power to the states. कुछ ना कुछ power उनके हाथ में आपको देनी पड़ेगी. Okay? This is what have been pointed out in this particular editorial. So now we will move to the another editorial. Okay? Let's see what exactly this editorial is mentioning here. So this is what we done. Like GST के अंदर देख लिया क्या समस्या है. Now the like scientist and her vaccine revolution. So this is about, you know, like Telin Karyoko. Okay? So she is a scientist. She had played an important role in, you can say, inventing new vaccines. Okay? तो ये इनका यहाँ पे बात आ रही है. Research के अंदर काफी अच्छा काम किया है इन्होंने. See, there could be a chance that the question may be related to women in science. Okay? Either like it could be in the form of essay की form में आ सकता है. Okay? Women in science, role of women in science. There you have to mention about all these things, and this information will be relevant for you. Okay? जो यहाँ पे आपको information मिल रही है, ये relevant होगी. ठीक है ना? अब आप देखें, indeed the speed with which vaccine to fight COVID-19 have been invented and tested is unparalleled in the medical history. Okay? And there are several women who have played an important role. So, women of science have emerged as a role model in the field of human endeavor. This has been pointed out here. Because science is normally considered as a masculine discipline. Okay, कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द जो हैं, मेल जो हैं, वो साइंस के अंदर पार्ट लेते हैं. Okay, this is the mindset that we have. This is the common thought process that we have. Okay, so here is an example of, like multiple examples are there. So, Sarah Gilbert, okay, who had played important role in like AstraZeneca vaccine. Then you have K. Sumathi, who had played role in Bharat Biotech's Covaxin. Okay, Henneke Schumacher, like Dutch virologist, guided the development of Johnson & Johnson vaccine. So there is a name related to Sputnik 5 also. So you should know about these names, and you can mention these names in your essay. आप अपने essay के अंदर ये नाम जरूर जरूर लिखना, ठीक है ना? So it is important to add objectivity, and you have to relate your essay to the current events. Okay, so आपको history से तो बहुत ऐसे example मिल जाएंगे, मैडम क्यूरी and all, but these examples are there who are relevant in the current dimension. आज के dimension में ये काफी relevant है. So you can use them, use their name in your essays. ये आप जरूर कर सकते हो. So she proposed a bold idea, like she is a, you know, Hungarian-based biochemist, okay, who was working in United States. So she provided an insight that you should have this technique known as mRNA technique. Okay, so vaccine development में mRNA technique को introduce करने वाली ये lady थी, ठीक है ना? So you have to remember her name. Now this mRNA is a molecule naturally manufactured by animal cells that gives signal to the cells about which protein to make. Okay, कि किन कौन सा protein आपको यहाँ पे बनाना है? ये चीज, ये message जो है, ये mRNA molecule देगा आपको, ठीक है ना? तो ये point आपको समझना होगा यहाँ पे. Okay, now this information is relevant because already 2016 के अंदर the question has been asked. mRNA के ऊपर question पूछा गया था. अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि the question can be framed by using multiple statements, जिसको mold करके भी इस information से question बनाया जा सकता है. Okay, तो ये चीज याद रखें. Now like her brilliance as an innovator underscores the point that women can be as good as men in science. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, सो इट इज ऑल्सो लाइक एनकरेजिंग दैट मोर वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन साइंसेज. तो ये कुछ नाम है, ये कुछ रोल मॉडल हैं, हु आर गोइंग टू गिव पावर टू वुमेन टू कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट इन साइंस. ज्यादा से ज्यादा औरतें जो हैं, वुमेन जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो साइंस ले सकें एज अ करियर चॉइस. ओके, सो दिस हैज बीन हाईलाइटेड हियर. Now we'll move to the next part. So this editorial is mentioning about the homogenizing tendency of union in India and European Union. Okay, so like clashes with particularism unique to individual states. अब ये चीज यहाँ पे point out हुई है. See, you need to understand the most equitable form of governance for multiracial, multicultural countries. Like you need to have a federal system. आपको यहाँ पे federal system की ज़रूरत है. Now India is a federal country. We have a federation because powers are divided between union and states. And European Union is a supranational organization. Okay, वो supranational है कि multiple states have come together and they are working as a collective unit. वो European Union के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना? So ये कुछ चीजें आपको available हैं यहाँ पे. Now there is a tendency. Okay, there is a tendency that you bring in homogeneity. हर चीज आपको एक जैसी चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है. You have to respect the diversity. That's the point here.
So latest controversy in European Union, okay, like European Union is variously criticized as a political dwarf or hoblet giant distracted by internal bickering and competing national agendas. तो ये कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज दे हैव देयर ओन एजेंडाज और उस एजेंडे के लिए वो फाइट करते हैं. ओके एंड देयर इज नो कलेक्टिव एजेंसी, कलेक्टिव फाइट नहीं होती. नाउ डिस्पाइट ईयू बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, द 27 लीडर्स क्वेबल ओवर द इश्यूज फ्रॉम फिशरीज टू बजट एलोकेशन. अलग अलग चीजों के अंदर देयर आर डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन, उनके बीच में भी मतभेद हैं. ओके सो यूनियन फाइंड इट इजियर टू प्रमोट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स इन एरियाज लाइक क्लाइमेट चेंज, फूड एंड biosafety than in domestic values. Now latest controversy was related to Hungary and Poland over the gay and lesbian rights. Okay, now gay marriages are not recognized in Budapest or heterosexual couples jo hain only they can adopt children. This is the arrangement that you have. Okay, and LGBTQ law that took off in July outlaws the information perceived as promoting homosexuality or gender change to children under 18. ओके सो उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं जाती है. ऐसा अरेंजमेंट उनके लॉ में किया गया है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लेड टू द स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म फ्रॉम 17 लिबरल ईयू नेशंस हु बिलीव द हंगेरियन लॉ अंडरमाइंस द प्रिंसिपल दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी, एथनिसिटी एंड जेंडर इज नॉट परमिसेबल विद इन द यूनियन. ओके सो ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना. तो ये पॉइंट आपको समझना है. इन यूरोपियन यूनियन इट इज अगेंस्ट द हंगेरियन लॉ. यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हंगरी ने गलत कानून बनाया है. ओके नाउ देयर गवर्नमेंट इट इज प्रपोजिंग दिस. वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नेशनल रेफरेंडम कर लेते हैं इस चीज के ऊपर. ओके एंड यूरोपियन पार्लियामेंट वोटेड ओवरवेलमिंगली टू होल्ड द हंगरी बिफोर यूरोपियन कोर्ट. वो कह रहे हैं कि हम यूरोपियन कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे हंगरी को ओवर दिस LGBTQ लॉ. अब ये डिफरेंसेस आ रहे हैं. कल्चरल वैल्यूज आर डिफरेंट. हंगरीज कल्चर माइट बी डिफरेंट. नाउ सेम इज द केस विद पोलैंड. नाउ पोलैंड्स कैथोलिक कंजर्वेटिव गवर्निंग पार्टी टेक अ सिमिलर स्टांस ऑन LGBTQ. नाउ दे वांट टू क्रिएट अ नेशन लाइक वन थर्ड ऑफ द नेशन टू बी फ्री ऑफ LGBT. दे वॉन्ट टू डिमार्केट एरियाज. ऐसे एरिया डिमार्केट करना चाहते हैं वो. ओके लाइक LGBT फ्री जोन्स ये बनाना चाहते हैं. LGBT फ्री जोन्स. ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है. ओके ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है. नाउ इस टाइप की वो चीज चल रही है बिकॉज दिस इज द डिफरेंस. नाउ इन इंडिया यू ऑल्सो हैव दिस रिलेशनशिप सेंटर एंड ऑपोजिशन पार्टी. ओके देर इज अ डिफरेंस. सो इवन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही डिसलॉज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन केरला. अजीब से ग्राउंड्स पे उन्होंने भी केरला के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाया था. ओके ये पॉइंट आपको समझना है. देर आर इश्यूज. ओके आज की डेट में भी इश्यूज चल रहे हैं. हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स ये आ रही हैं, ठीक है ना. सो होमोजेनाइजिंग बायसेस ऑफ यूनियन क्लैशेस विद द पर्टिकुलरिज्म यूनिक टू द इंडिविजुअल स्टेट. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू एनालाइज आर डाइवर्स स्ट्रक्चर, डाइवर्स कंट्री दैट वी हैव, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी. ओके सो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरिज्म है. ओके पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर आइडेंटिटी है. तो सम हाउ यू कैन नॉट होमोजेनाइज दिस थिंग. आप किसी चीज को होमोजेनाइज नहीं कर सकते. ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा. ओके इफ यू ट्राई टू होमोजेनाइज इस, आप ऐसा करो कि हर चीज एक जैसी हो जाए, देन इट विल लीड टू क्लैश ऑफ कल्चर्स. वहां पे क्लैश ऑफ कल्चर्स का एंगल आपको नजर आता है, ठीक है ना. सो दिस हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस एडिटोरियल. सो वी हैव कवर्ड दिस एडिटोरियल ऑल्सो. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक. ओके दिस इज द अनदर thing that we are going to cover here. So recently the Minister of Defense introduced the Essential Defense Services Bill 2021. Okay, so like in Lok Sabha to provide for maintenance of essential defense services as to secure security of nation and life and property of public at large. Okay, so bill seeks to empower the government to declare services mentioned in it as essential defense services and prohibit strike and lockout in any industrial establishment. So central government अपने हाथ में power ले रही है कि वो किसी भी services को declare कर सकते हैं कि this service is essential and strikes cannot be allowed. Strikes जो हैं उस area में prohibited हैं. ऐसा arrangement कर सकती हैं. So minister however assured the ordnance factory board employees that their service condition will not be affected. Okay, ऐसा उन्होंने बोला है. So you have Madhya Pradesh and Chhattisgarh Civil Services Rules 1965 which prohibit demonstration and strikes by the government servants and direct the competent authority to treat the duration as unauthorized absence. So a strike under this rule includes total or partial cessation of work
अप एंड डाउन स्ट्राइक, ट्रैफिक जैम, इस टाइप की चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे. सो दिस इज अ स्टेट लॉ दैट यू हैव इन मध्य प्रदेश, वहां पे ये स्टेट लॉ भी अवेलेबल है. नाउ वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑल्सो. सो देर इज एन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज or the forces charged with maintenance of public order so as to ensure proper discharge of their duties. So इस केस में पार्लियामेंट के पास पावर है, they can make arrangements, they can make a legal provision. वो इस चीज का लीगल प्रोविजन बना सकते हैं. Thus for the armed forces and the public where discipline is the most important prerequisite, even the fundamental right to form an association can be restricted under article 19(4). Okay. अंडर आर्टिकल 19(4) के अंदर आप जो है इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है ना. सो ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है ना. अब आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली पुलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड द रिस्ट्रिक्शंस टू फॉर्म एसोसिएशन बाय द मेंबर्स ऑफ नॉन गजेटेड पुलिस फोर्स आफ्टर द पुलिस फोर्स एक्ट 1966 एंड द रूल्स एज अमेंडेड बाय अमेंडमेंट रूल्स 1970 केम इन टू इफेक्ट. Like with the right to freedom of association is fundamental, recognition of such association is not a fundamental right. Okay, आप association बना सकते हो, उसको recognize करना ना करना ये fundamental right नहीं है. उसको formal form देना ना देना ये fundamental right नहीं है. So parliament can by law regulate the working of such association. Parliament इसको भी regulate कर सकता है. So you have another case in TK Rangarajan versus Government of Tamil Nadu. The Supreme Court held that the employees have no fundamental right to resort to strike. Fundamental right नहीं है उनके पास कि वो strike कर सकें. तो ये case important है TK Rangarajan. You have to know this case. आपको mention करना पड़ेगा अपने answer में. Further also there is no moral or equitable justification to go on strike. The court said that court employees, government employees cannot hold the society to ransom by going on strike. ये भी बोला गया है, okay? कि आप जो है सोसाइटी को रैंसम पे नहीं रख सकते कि अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो. Now today suppose of railway department they announce a strike, सब लोगों का नुकसान होगा उस केस में, okay? So there is no fundamental right to strike under Article 1A of Constitution. Strikes cannot be justified on any equitable ground. Strike as a weapon is mostly misused, which result in chaos. This is what is the finding. ये finding यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना. So एक चीज बोली गई है, okay. So strike is not a fundamental right, which was mentioned here. So other than that, there is nothing much. So let's move to the another news now. Air Quality Commission Bill for National Capital Region cleared. Again, this is the new development. Okay, we should know about what is there in it. So it has the full-time chairperson, which like will have a final say on policy to address the problem. Okay, so Lok Sabha on Wednesday passed the bill to formalize the Commission of Air Quality Management for National Capital Region and adjoining areas. Okay, there should be a single commission which will be there for whole NCR region. Aspas ke ilaqon ke liye एक सिंगल कमीशन काम करेगा. इट वॉज रिक्वायर्ड. अदरवाइज होता क्या था, हरियाणा गवर्नमेंट अपना चलाती थी, दिल्ली गवर्नमेंट अपना चलाती थी, यूपी गवर्नमेंट अपना चलाती थी. ओके, सो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट नहीं मिलता था. बट नाउ यू विल हैव अ डेडिकेटेड कमीशन विच विल कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द लाइक स्टेक होल्डर, सबके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा. सो दिस बॉडी विल हैव अ फुल टाइम चेयरपर्सन एंड अ रेंज ऑफ मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्रीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स. सो मिनिस्ट्री का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, साथ में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होंगे यहाँ पे. सो बॉडी फर्स्ट केम इन टू बींग इन अक्टूबर 2020 ऑन द बैकड्रॉप ऑफ ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस के थ्रू इसे लाया गया था. ओके, नाउ द बिल हैज बीन टेबल्ड इन द पार्लियामेंट एंड इसको जो है अप्रूवल के लिए बोला गया है. सो सेंटर हैज सेड दैट न्यू ऑर्गेनाइजेशन वुड बी अ परमानेंट बॉडी. ये एक खास बात है, दिस इज गोइंग टू बी अ परमानेंट बॉडी टू एड्रेस द पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन. ओके, एंड इट इज गोइंग टू एड्रेस द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन ऑल्सो. Now the all powerful body assumed several powers to coordinate action among the states and levy fines ranging up to 1 crore or 5 crore of like prison. Okay, ye baat hai. While Central Pollution Control Board and its state branches have the power to implement provision of the Environment Protection Act for air, water and land pollution, in case of dispute or clash of jurisdiction, the commission's writ would prevail specific to the matters concerning the air pollution. Okay, अब यहाँ पे इसकी चलेगी, ठीक है ना. The commission will have a say in issues related to air pollution. Okay, which is important here right now. Like common man, they don't have any rescue to fight against
एयर पोल्यूशन। ओके, आप कहाँ जाके रिपोर्ट करोगे मामला, आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे बन रही है। ओके, सो वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो इन अबाउट एन आवर राज्यसभा पासेस 3 बिल्स। ओके, 3 बिल पास कर दिए एक घंटे के अंदर अंदर। नाउ बिल्स वर पास्ड। ओके, सो ऑपोजिशन कंटिन्यूड टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट चलता रहा था शोर शराबे के अंदर, एकदम से ये बिल पास किए गए हैं, ठीक है। सो यू हैव लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 व्हिच सीक्स टू एनकरेज स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, तो ये बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए आपका एक इनिशिएटिव है। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 एंड दिस बिल वॉज पास्ड इन 20 मिनट्स। अब इतना टेक्निकल बिल सिर्फ 20 मिनट की डिस्कशन के अंदर पास कर दिया गया। वी कैन लाइक इजिली फिगर आउट द क्वालिटी ऑफ लॉ दैट वी आर गोइंग टू सी, किस क्वालिटी का कानून हमारे यहाँ पे बनेगा, वो आपको भी यहाँ पे विजिबल हो गया होगा। फर्दर राज्यसभा ऑल्सो पास्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन बिल। ओके, सो देर इज अनदर बिल विच वॉज पास रिलेटेड टू एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल। नाउ दिस इज गोइंग टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ मेजर एयरपोर्ट। ओके, नाउ इट इज गोइंग टू अलाउ गवर्नमेंट टू क्लब टूगेदर स्मॉलर एयरपोर्ट ऑल्सो, स्मॉलर एयरपोर्ट भी इसके एम्बिट में आएंगे। तो इस टाइप की चीज ये की गई है। So this is the good development that is taking place, but the problem is that you are passing bill without discussion, बिना debate discussion के आपके यहाँ पे bill pass हो रहे हैं। Okay, so ये अपने आप में एक problematic चीज़ है। So other than that, there is nothing much, कुछ खास नहीं है। Election Commission proposal to link electoral role with the Aadhaar under study. Okay, so एक चीज़ यहाँ पे आई है, the proposal of Election Commission of India to link electoral role with Aadhaar ecosystem to check the multiple enrollment of the same person is under consideration of the government. Okay, ये ऐसा कुछ consider है कि आधार को आपके electoral roll के साथ, आपके voting card के साथ link कर दिया जाएगा। Now this was suggested by the Law Commission also. Law Commission in its report 244th and 255th. Okay, it has mentioned about this thing. वहाँ से भी ये suggestion आया था, duplicacy of voters यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है उस चीज़ को रोकने में हेल्प करेगा। ओके, सो इट इज गुड इनिशिएटिव। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू लिंक इलेक्टोरल रोल विद द आधार इकोसिस्टम, इट्स अ गुड डेवलपमेंट। ओके, ये एक और ई गवर्नेंस का आपका एग्जांपल हो गया, आधार का एक एप्लीकेशन हो गया। सो विल मूव टू द अनदर पार्ट नाउ। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ऑन दिस पर्टिकुलर पेज देर इज नथिंग मच। सो 2 ईयर्स ऑन एज यूटी कश्मीर मिलिटेंसी येट टू बी वेन। ओके, ये एक चीज आ गई है यहाँ पे। देर इज अनदर न्यूज विच इज इंपॉर्टेंट हेयर। सो एज जम्मू कश्मीर कंप्लीट्स 2 ईयर्स ऑफ यूटी, लाइक मिलिटेंट remains a major challenge. This is still a challenge. Another challenge is that if there is a Taliban takeover of Afghanistan, then further it is going to enhance. So you cannot rule out that the striking capacity of this militant organization might be improved. Wo aisa kyun ho jayega? Because at that time ISI can easily now focus on Kashmir. ISI ka pura focus कश्मीर के ऊपर हो जाएगा। ओके, सो ये पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है ना। सो तालिबान के आने से ये कुछ हो रहा है वहां पे। फर्दर द तालिबान फाइटर्स दे कैन बी डाइवर्टेड टू फाइट इन कश्मीर, उनको कश्मीर में भेजा जा सकता है। ओके, इट इज फर्दर गोइंग टू क्रिएट अनदर ट्रबल, ये अपने आप में एक और समस्या पैदा करेगा। सो दीज आर न्यू डेवलपमेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस। ओके, सो वील हैव टू मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। आगे देखते हैं क्या यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, सो देर वॉज वन न्यूज विच वॉज लेफ्ट हेयर। सो नोड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक special courts. Okay, so this is what is going on now. Cabinet on Wednesday approved the continuation of 1023 fast track special courts. Ab funds have been allocated fast track special courts ke liye, aapko paisa bhi diya gaya hai, because you require certain number of judges jo yahan pe appoint honge in fast track courts ke andar. See, there are areas jahan pe fast track courts ki zarurat hai, like in cases related to protection of child from sexual offense act. Okay, पॉक्सो के जो केसेस है वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ टाइमली जजमेंट। देर आर अदर एरियाज ऑल्सो, लाइक वुमेन रिलेटेड इश्यूज, इफ देर इज सम पेंडेंसी देर, अगेन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कैन बी यूज, वहां पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो आने चाहिए। ओके, सो इन सारे एरियाज में हमें उनको जरूर लेके आना है, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीरियस अबाउट इट। इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट दैट दे आर लाइक रियली लुकिंग अप टू दिस। अनदर एरिया विच इज लेफ्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को अगर आप रोकना चाहते हो तो देयर ऑल्सो यू रिक्वायर फास्ट ट्रैक कोर्ट, वहां पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। वहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हो कि वहां पे भी इनएडिक्वेसी है, केसेस पेंडिंग रहते हैं। अगर हम क्रिमिनलाइजेशन को रोकते हैं तो रोकना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग जो आपके लेजिस्लेचर हैं उनको जरूर जरूर
अगर वो क्रिमिनल हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा. ओके सो दिस इज व्हाट इज पॉइंटेड हियर. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पे. ओके दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड. सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. नाउ 50% फंड्स अलॉटेड फॉर ऑनगोइंग एमपी लैड्स प्रोजेक्ट लैप्स. ओके सो दिस इज द न्यूज. दिस इज द न्यूज इज रिलेटेड टू द एमपी लैड. एमपी लैड अगर आपको मालूम हो, सो लाइक दिस इज द स्कीम दैट इज देयर. ओके सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दिस स्कीम. इस स्कीम के अंदर आता क्या है, क्या क्या इसके अंदर अरेंजमेंट होता है. नाउ अंडर दिस स्कीम ईच एमपी इज ग्रांटेड 5 crore. ओके एंड लाइक ही कैन सिलेक्ट हिज कॉन्सिक्वेंसिस. अपनी कॉन्सिक्वेंसी दो, वो एक वो चूज कर सकते हैं. ही कैन सजेस्ट यू नो वर्क विच इज टू बी डन. उस कॉन्सिक्वेंसी में किस तरीके का काम होगा, किस तरीके के प्रोजेक्ट लिए जाएंगे, वो सजेशन जो है एमपी वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन एमपी लैंड. ओके नाउ दिस न्यूज इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री पैनल कॉल्स इट अ सीरियस लैप्स विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. सो 50% ऑफ द फंड्स दैट आर एलोकेटेड फॉर एमपी लैड दे आर गोइंग टू लैप्स. वो यूज ही नहीं होंगे. आप ये देखो, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होगा वो अपने बीच में ही रुक जाएगा, अटक जाएगा, क्योंकि वो फंड आगे नहीं आएगा उसके पास. ओके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए फंड नहीं आएगा. देर आर मल्टीपल रीजंस, बहुत रीजंस अलग हैं. वन ऑफ द रीजन इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. नाउ इलेक्शंस आर गोइंग ऑन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोज्ड. एट दैट टाइम फंड्स कैन नॉट बी रिलीज्ड. उस केस में पैसा नहीं रिलीज किया जा सकता. ओके सो इट इज सेइंग दैट वर्चुअली हाफ ऑफ द बिलेटेड 2200 crore एलोकेटेड फॉर कंप्लीटिंग द ऑन गोइंग एमपी लैड प्रोजेक्ट्स दे आर सिंपली लैप्सिंग. वो कंप्लीटली लैप्स हो गए हैं एंड दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रबलसम गेम. ओके नाउ थिंक अबाउट अ सिचुएशन, प्रोजेक्ट्स हाफ कंप्लीटेड, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उनका आपका पैसा भी लग गया और उससे आउटकम भी नहीं आया. सो द रिजल्टेंट फंडिंग क्रंच वुड हैव हिट सेवरल लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन. ओके काफी प्रोजेक्ट्स आपके वहीं पर रुक गए होंगे. अनदर रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. दिस इज ऑल्सो द रीजन कि फंड जो है वो आगे नहीं भेजे गए हैं. ओके सो ये बात आपको समझनी है. सो Spending under members of parliament local area development scheme had already halved before the government suspended the scheme. For 2 years, the decision was taken that for 2 years, the scheme will be suspended as the amount, the money will be used to manage the COVID-19. कि COVID-19 को manage करने के लिए वो हम पैसा use करेंगे, इसलिए scheme को suspend किया गया था. Okay. Already इसका suspension चल रहा था, अब further जो है यहाँ पे funds आपके lapse हो रहे हैं, ये एक problem है. ओके सो ये कुछ चीजें हैं. नाउ आफ्टर द स्कीम सस्पेंशन सेवरल एमपीज एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज इंक्लूडिंग द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस हैड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिलीज एमपी लैड फंड्स. अब वो फंड रिलीज की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी देर आर प्रोजेक्ट्स विच आर अनफिनिश्ड. वो आधे प्रोजेक्ट हाफ में अटके हुए हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा. ओके सो दैट्स वाई देर इज अ डिमांड दैट फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स. अगर आप कम से कम पैसा दे के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लो, नए प्रोजेक्ट्स मत अनाउंस करना, दैट कुड बी द वे आउट, बट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स उनको तो पूरा करो. ओके सो दिस इज व्हाट इज टोल्ड देयर. नाउ देयर आर सम थिंग्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कन्वेड इट्स इंटेंट टू अलॉट 2200 crore फॉर सच प्रोजेक्ट्स. ओके ऐसा इन्होंने बोला है. सो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री सेड इट क्लियर द एलिजिबल प्रपोजल रिसीव्ड टिल मार्च 31. उन्होंने इसको अप्रूव भी किया है. ओके सो द कमेटी आर अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द रीजन एज टू वाई 2200 crore वर अलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. कि इस साल के खत्म होने से एक वीक पहले आपने जबरदस्ती पैसा एलोकेट किया, वाई इट इज सो. सो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडियन ब्यूरोक्रेसी. ओके इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जिसको बोलते हैं मार्च रश, जिसको बोलते हैं मार्च रश. ओके ये एक समस्या इंडियन ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलती है. सो वट हैपन्स इज दैट यू हैव टू क्लियर योर फाइल्स, अपनी फाइल्स, अपनी जो बुक्स होती हैं, अकाउंट बुक्स होती हैं, उनको क्लियर करने के लिए सारा पैसा रिलीज कर दिया जाता है विदाउट इवन रियलाइजिंग वेदर द फंड इज रिक्वायर्ड और नॉट. ओके बिना इस रियलाइजेशन के कि फंड रिक्वायर्ड है कि नहीं, ठीक है ना, सारा पैसा रिलीज कर दिया जाता है. तो ये प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी. ओके दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज देयर. अब इसको आगे देखें. नाउ There are districts which were having model code of conduct. वहाँ पे model code of conduct लगा हुआ था, ठीक है, ये भी अपने आप में एक समस्या है. अब वहाँ पे आप ऑलरेडी जो है चीज़ें रुक गई हैं. ओके सो यू नीड टू हैव सम मैकेनिज्म. एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना. दिस हैज बीन पॉइंटेड आउट हियर. सो फंड रिलीज टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अंडर एमपी लैड इज नॉट लैप्सेबल व्हाइल फंड्स नॉट रिलीज बाय द गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर
आर कैरी फॉरवर्ड. ओके, सो जो फंड रिलीज नहीं होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं. ये कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे है. ओके, सो वन कैन एक्सप्लोर दिस थिंग. ठीक है ना, अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे. ओके, सो पीएम कॉल्स ममता ऑन फ्लड सिचुएशन. फ्लड्स जो है इट इज इम्पैक्टिंग आवर कंट्री, मेजर इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ओके, ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. सो राइट टू एजुकेशन एंटाइटलमेंट्स टू बी पेड थ्रू कैश ट्रांसफर्स, कैश ट्रांसफर, इट इज अ गुड थिंग. ओके, सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से ई गवर्नेंस दैट वी हैव हियर, कि टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज कर रहे हो. सो यू हैव समथिंग कॉल्ड समग्र शिक्षा. नाउ दिस इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर 11.6 लाख गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स, इसमें कवर है समग्र शिक्षा के अंदर. ओके, सो लाइक 57 टीचर्स, यू नो 57 लाख टीचर्स एंड 15 करोड़ स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होगा. इट इन्वॉल्व्स अ स्प्लिट ऑफ 60-40 स्प्लिट इन फंडिंग बिटवीन सेंटर एंड मोस्ट स्टेट, कि पैसा 60-40 के रेशियो में दिया जाएगा. दैट 60% विल बी फ्रॉम द सेंटर, 40% विल बी फ्रॉम द स्टेट. ओके, समग्र शिक्षा के अंदर द आइडिया इज दैट यू वांट टू इंप्रूव द राइट टू एजुकेशन. ओके, उस चीज का यहां पे एक तरीके से आइडिया है. द पॉइंट दे आर मेकिंग इज दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपको पैसा मिलेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट हैज बीन हाइलाइटेड हियर. सो वी विल मूव टू द इंटरनेशनल पेज नाउ. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस ऑन दैट पेज. ओके, सो तालिबान क्लेम अटैक ऑन अफगान मिनिस्टर. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. There is no trust on Taliban. We cannot trust Taliban. The problem is still there. Okay, the world cannot trust Taliban because they are not ready to give up their violence. आप जो है वो violence को give up नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? So that's why most countries are criticizing the US for that. US को criticize किया जा रहा है कि what was the haste, जल्दबाजी क्या थी? Okay. So ये इस टाइप की चीज चल रही है. सो वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स मूव अहेड. चीजें ऐसे क्या चलती हैं. सो यूएस शिप्स 110 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अब्रॉड. ओके, ऐसा इन्होंने किया है. बट वी हैव टू सी इनमें से इंडिया में कितनी आएंगी, ठीक है ना? ऑलरेडी देर इज अ शॉर्टेज. वी विल नॉट बी एबल टू रीच आर टारगेट. जो भी हमारा टारगेट था वो हम रीच नहीं कर पाएंगे. ओके, सो ये समस्या हमारे लिए है. तो जहां से भी हेल्प आए हमारे लिए अच्छा है. सो ये सारी चीजें चल रही हैं. अदर देन दैट देर इज नथिंग मच. ओके, चाइना कोएक्सिंग वेज हर्ड ऑफ एलिफेंट्स होम. ओके, सो दिस इज द न्यू थिंग विच इज देयर. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इन चाइना इज हेल्पिंग दीज एलिमेंट हर्ड टू रीच टू देयर रिस्पेक्टिव